हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले होली आने वाली है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये होली आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। तो आज मैं आप लोग के साथ में होली पे ही चर्चा करने आई हूँ। आज मैं आपको होली के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ हैक्स बताऊंगी। हम लोग क्या करते हैं ना कि होली पे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे साथ क्या था कि जब मैं, जैसे कि कल होली आज होलिका दहन होता था रात में, तो एक दिन पहले से, होली की एक रात पहले से इतना ज्यादा एक्साइटेड होते थे कि बैलून्स फुला फुला के इकट्ठा करके रखते थे, सारी तैयारियां करके रखते थे, कैसे क्या कल होना है सारी प्लानिंग करते थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती थी वही भूल जाते थे। जैसे कि हम सभी को होली खेलना पसंद है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको होली खेलना नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग को, जिन जिनको होली खेलना ज्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ये आज का मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है? अगर ये वाला मेकअप लुक बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, शायद पहले ये वाली वीडियो जाएगी फिर वो जाएगी, तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मेकअप है, तो देखिएगा जरूर और फ्रेंड के साथ में शेयर भी करिएगा। हाँ, तो आते हैं होली पे। तो कई सारे लोग ऐसे हैं, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, कि बिना किसी तैयारी के होली खेलने चले जाते हैं। तो इस बार तो ऐसा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप सब, अभी कोरोना का टाइम है और फिर से कह रहे हैं, न्यूज में तो यही सुनने को आ रहा है, कोरोना की दूसरी लहर भी आ रही है और कई राज्य में लॉकडाउन भी लग गया है। तो शायद हमारे यहाँ भी सुनने में आ रहा है, यहाँ अयोध्या में भी लगे, बट शायद ना लगे तो ही अच्छा है, नहीं तो होली सब वही हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे सरकार जो करेगी हमारे भले के लिए करेगी, तो सबसे पहले अगर होली आप खेलने जा रहे हो तो कोशिश करिए कि आप घर पे होली खेलें, कहीं बाहर ना जाएं। अगर आप बाहर जा भी रहे हो तो अच्छे से तैयारी के साथ जाएं, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर रखें और जैसे पहले बार बार हाथ धुलते थे वैसे ही धुलते रहिए, ठीक है? पहला ये हो गया। और हम लेडीज क्या करते हैं, जैसे कि हम फिल्मों में देख देख के व्हाइट कपड़े पहनते हैं होली पे। अच्छी बात है, व्हाइट पे जब कलर्स पड़ते हैं तो अच्छे लगते हैं सभी को, तो कलरफुल कपड़े पहने। लेकिन अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए है कि उसके नीचे इनर वियर जरूर पहने, नहीं तो जब हमारे कपड़े गीले होते हैं तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। तो आपको ऑकवर्ड ना फील हो इस वजह से आप अंदर इनर वियर जरूर पहने। और दूसरी बात कि हम जब होली खेलते हैं तो हमारे स्कैल्प पे, हमारे नेल्स पे अंदर बाहर और हमारे यहाँ कान के आसपास, नोज पे, यहाँ सब जगह कलर्स जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं, सब जगह के छूट जाते हैं बट यहाँ के नहीं छूटते हैं। तो सबसे पहले होली खेलने जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पूरे बॉडी पे ऑयलिंग करनी है। आप अपने कोई भी ऑयल ले लीजिए, आप कोकोनट का ऑयल लेंगे तो बेस्ट रहेगा, कोकोनट ऑयल लीजिए और आप अपने हेयर पे अच्छे से मसाज करिए, स्कैल्प पे लगाइए अच्छे से, कान के पीछे, यहाँ पे, नोज पे, पूरे फेस पे। अगर आप फेस पे ऑयल लगाना नहीं चाह रहे हैं तो कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए और अपने हाथों को, पैरों पे अच्छे से ऑयलिंग करिए। और अगर आपके पास नेल क्रीम है तो नेल क्रीम, हैंड क्रीम कुछ भी ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप सिंपल सा कोई सा भी कोकोनट ऑयल लीजिए या फिर कोई भी तेल ले लीजिए, उसको अपने नेल पे अच्छे से इस तरह से 2-3 बार मसाज कर लेनी है, 2-3 बार, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट मसाज कर लेनी है अच्छे से। और उसके बाद जितनी भी हो सके, जितनी भी डार्क हो सके उतनी डार्क आप नेल पेंट लीजिए और कम से कम 2 से 3 कोट लगाइए अच्छे से। हमारे जब हम होली खेलते हैं ना तो सारे शरीर का रंग चला जाता है, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां का रंग महीनों तक नहीं जाता, जैसे कि नेल। आप देखे होंगे होली खेलने के बाद आपके नेल के आसपास के एरिया पे रंग जमा हो जाते हैं, तो वो नहीं निकलते हैं इजिली, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो धीरे 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 ही निकलते हैं। और लोग कहते भी हैं कि धीरे धीरे निकल ही जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल भी होता है। हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारे अंदर जा रहा है, मतलब अच्छा नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, 2 से 3 कोट अच्छे से नेल पेंट, कोई डार्क नेल पेंट लगानी है और अच्छे तैयारी के साथ। बाल को खुले बिल्कुल मत रखिए। कई वीडियोस मैंने देखे थे टिकटॉक पे, रील पे, मतलब कई जगह मैंने वीडियो, तो लड़कियां ना अपने बालों में ऐसे ही गुलाल डाल के, कलर डाल के ऐसे उड़ाते हुए स्लो मोशन में वीडियो बनाती है, तो वैसा नहीं करना है, नहीं तो वो आपके बालों की बैंड बच जानी है। और ये सब करने के बाद, अच्छे से तैयारी करने के बाद, आप होली के लिए, होली खेल के आने के बाद में एक हैक्स और है आपके लिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, हेयर ड्राई हो जाती है, तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा आपको अपनी स्किन को पैम्पर करना है, अपने बालों को पैम्पर करिए और अच्छा सा फेस पैक बनाइए। फेस पैक के लिए आप 1 चम्मच बेसन लीजिए, आपके किचन में इजिली अवेलेबल होगा, 1 चम्मच बेसन लीजिए आप, उसमें 1 चम्मच दही डालिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और उसको अपने स्किन पे अप्लाई करिए। 10 मिनट बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए, आपकी स्किन स्मूथ सॉफ्ट हो जाएगी। और बालों के लिए आप
दो चम्मच कर लीजिए, जितनी आपकी बालों की लेंथ है उस अकॉर्डिंग दो तीन चार जितना भी हो सके लीजिए, जितनी आपकी बालों की लेंथ है कर लीजिए। उसमें हनी डालिए, उसमें एलोवेरा जेल डालिए और अपने बालों पे मास्क अप्लाई करिए, और 15 से 20 मिनट बाद आप उसको वॉश कर लीजिए, आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। तो ये था आपके लिए हैक्स, और होली अच्छे से खेलिए, इंजॉय करिए और सेफ फुल होली खेलिए, है ना। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आए, मेरी जानकारी अगर पसंद आए आपको, तो एक लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, और फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर भी किया करिए, आपके साथ सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। तो चलिए ठीक है, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।